एक बार फिर से प्रदर्शन तेज हो गए हैं। आम जनता एक बार फिर उग्र हो गई है और लोग संसद की ओर अब बढ़ रहे हैं। आज जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर मालदीव भाग गए हैं और माना जा रहा है कि जल्दी इस्तीफा भी दे देंगे। लेकिन उससे पहले न्यूज 18 एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आप ये देखिए कैसे कोलंबो में अब राष्ट्रपति भवन के बाद जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद की तरफ कूच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी अब संसद भवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से यहां हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति सबसे पहले भाग जाते हैं, उसके बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो जाते हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर से जैसी तस्वीरें सामने आई, कुछ लोग पूल में नहा रहे थे और किस तरीके से वहां पर लोगों का जमावड़ा था, अब कुछ ऐसी तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे प्रदर्शनकारी अब जो भी ऐसे जगहें हैं वहां पर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो संसद भवन हो या राष्ट्रपति भवन, इसी के साथ में प्रधानमंत्री आवास, संवैधानिक पदों से जुड़े जिनके भी आवास हैं उनकी तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए जो वहां पर फोर्स मौजूद है उसे भी खदेड़ने का काम किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों की ओर से। ये तीन तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारी अब उग्र होते जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपके सामने है जो प्रदर्शनकारी है वहां पर जो पुलिस फोर्स मौजूद है उन्हें खदेड़ने का काम करते हैं। तीसरी तस्वीर कैसे वहां पर राजनीतिक संकट गहरा गया है। आखिर लंका किसके हवाले है, कैसे लंका को आगे ले जाया जाए, कौन लंका में अब आगे राज करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कौन जनता को आगे मार्गदर्शन दिखाएगा, क्योंकि लंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं, मालदीव में हैं और जनता यहां उग्र गई है। ये दूसरी तस्वीर, दो तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर राष्ट्रपति गोटाबाया भाग चुके हैं, मालदीव पहुंचे हैं, और दूसरी तस्वीर सड़क पर कैसे लोग उतरे हुए।